हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है एक्सरसाइज 1D, नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम कर रहे हैं। इसमें हमें करना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किसका सिंप्लीफिकेशन करना है? जो हमें ये इरेशनल नंबर्स मिले हुए हैं इनका। तीन क्वेश्चन है यहाँ पर, इन तीनों का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के क्या आएगा इनका आंसर, जो होते हैं उन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 8 का फर्स्ट पार्ट आपको मिला है 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। 45 को आप क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसकी करेंगे आपको मिलेगा 3 3 9 5 45, क्योंकि मुझे ध्यान था कि इसकी ये ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 9 5 45 होता है, तो 2 बार 3 मैंने कर दिया। 125 का भी मुझे पता है, आपको भी पता होगा, आपने कई बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह की होगी, तो 3 बार 5 मल्टीप्लाई करके आपको 125 मिलता है। 5 5 25 5 125, तब करके 3 बार मैंने 5 लिख दिया। 200 की बात करें तो 100 में 2 2 आते हैं और 2 5 आते हैं, और 1 2 इस 200 का हो गया, तो इसका मतलब 3 2 आएंगे इसमें। नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और 2 5 आएंगे। ठीक है, इनसे 100 आ गया और ये 2 आ गया, तो 200 मिल जाएगा वापस मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे। 50 में 25 2 50 होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना चाहे इस प्रकार से करके देख सकते हैं। 225 फिर 5 5 25 फिर 5 1 5, आपको दो दो तो मिल रहे हैं 5 और 1 मिल रहा है 2। इसी प्रकार से कोई भी नंबर आप कर सकते हैं सो। ओके, ये मिल गया। अब जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक हम बाहर निकाल लेंगे, और जो रह गया पेयर नहीं बन रहा वो अंदर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 12 आ जाएगा इसमें से, तो आपको 9 मिलेगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, माइनस 5√5 प्लस यहां से 2 5 10, ये 12 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 और अंदर 2 बच गया, तो 10√2 मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा अंदर स्क्वेयर रूट के, तो 5√2 आपको यहाँ से मिलने वाला। √2 वाले यहाँ पर 2 है और √5 वाले 2 है, इनको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा वो देखिए, 9√5 माइनस 5√5 प्लस, इसको सोल्व करें, 10 माइनस 5 5, 5√2 मिल गया। √2 का तो √2 रहेगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, 9 में से 5 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 4, 4√5 प्लस 5√2, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको भी वैसे ही पहले सॉल्व करेंगे जितना हो सकता है। 30 को क्या लिख सकते हैं हम? कुछ भी सोल्यूशन नहीं हो रहा इसमें, √2 और ये कितना हुआ, हाँ रूट वाले को एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पर ये भी रूट में है और ये भी रूट में, और डिवीजन में हो रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे 30/6, और अगले में भी ऐसे ही हम उसको लिखेंगे, 140/28, और नेक्स्ट में 55/99, क्योंकि जब पावर सेम हो, क्योंकि दोनों की ही रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर दोनों की 1/2 है, तो दोनों की एक साथ पावर 1/2 कर दी, मतलब रूट लगा दिया। ठीक है, ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 6 1 जा 6 5 जा
14 2 जार 14 10 जार 2 1 जार 2 5 जार 11 9 जार 11 5 जार। ठीक, आपको मिला 2√5 क्योंकि यहां पर सिर्फ 5 बचा है ये। ओके, नेक्स्ट के अंदर -3, यहां पर भी आपको 5 ही मिला हुआ है, 3√5। ठीक, अगले में भी आपको रूट फाइव मिल रहा है क्योंकि डेनोमिनेटर में 9 है, इसको तो हम 3 लिख लेंगे, बाहर आ जाएगा √5, सॉरी बाय में √3 × 3, तो ये तो 3 बाहर आकर के ये √5/3 बन जाएगा ना, वही चीज मैंने यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ √5/3। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डेनोमिनेटर हमें बराबर करने पड़ेंगे, बराबर करने के लिए डेनोमिनेटर हमें तीनों का जो डेनोमिनेटर में है एलसीएम 3 आएगा 1 1 3 का, तो तीनों के डेनोमिनेटर में 3 मैं बना देता हूं। तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला यहाँ पर 6 6√5 -9√5 +√5 और 1/3 बाहर आ गया। ठीक, जब सोल्व करेंगे और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें मिलेगा 1/3 और ब्रैकेट के अंदर 6 -9 -3 -3 +1 -2, क्लियर हुआ, -2√5। तो ये हो गया -2/3√5, ये आपका आंसर बना। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसको सोल्व करने के लिए वही प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लेंगे, √72 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 72 की, तो 2 3 6 2 6 12 और यह 36 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 2 × 6 × 6। कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्राइम नंबर लिखना है क्योंकि आपको तो ये सिंपलीफाई करना है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको ये प्राइम नंबर लिखना है, ये कंपोजिट नंबर है दोनों ही, दोनों आपको इसको सिंपलीफाई करना है, पता है अभी 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्यों आगे बढ़ाए, राइट। अब 100 के लिए आप बात करें तो आपको पता है कि 100 तो 10 × 10 होता ही है ना, परफेक्ट स्क्वायर है 100 भी, बचा कौन 8 8 × 100 करें तो 800 मिलता है, और 800 ही प्राइम फैक्टर, मतलब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारी जो स्क्वायर रूट है वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं 8 को क्या करूंगा 3 × 2 लिख देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, आप इसको सही तरीके से लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 10 × 10। ठीक, 18 के अंदर क्या होता है 9 2 18, 3 × 3 × 2, इसमें से 3 और यहां पर 2 और 10 आ जाएगा बाहर, यहां 6 आएगा, आपको मिलेगा 6√2 यहां से। ठीक है, इस पूरे से आपको 6√2 मिल रहा है, और यहां से आपको क्या मिलेगा प्लस, एक 2 आ जाएगा और एक 10 आ गया, 2 10 जा 20, और अंदर ये 2 बच गया सिर्फ, तो 20√2 -3 बार आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो ये मिला आपको 3√2 6 20 26 26 में से 3 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 23 23√2, ये आपका आंसर हो गया। तो होप सो आपको अच्छे से सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा किस प्रकार से ये किया गया, सिंप्लीफाई करना है, की पॉइंट इसका यही रहा, और जो लाइक वाले है उसको आप सोल्व कर देंगे, जैसे कि ये हर एक में √2 आ रहा है तो किसी में √5 आया है ना,
और डिवाइड डिवीजन का केस जब आया तो वो ये वाला यहाँ पर इसको अलग तरीके से हमने किया। तो ये अच्छे से समझ करके ही आप कीजिएगा और सो आपको अच्छे से सारा समझ में आया है सोल्यूशन। अब आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर आपने करना क्या है, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।